राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने का काम करी है। उपमुख्यमंत्री और संरक्षक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में 38 लाख से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है और निर्माण श्रमिक बोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने श्रमिकों को सुरक्षा कार्ड, स्वास्थ्य और सुरक्षा किट वितरित किए। मंच पर निर्माण कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश और उपमुन्ना यादव, पूर्व महापौर संदीप जोशी, नगर कार्यवाही का सोनाली कड़ू समेत अन्य उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि निर्माण श्रमिक बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को पंजीकृत करके विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्राथमिक से स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही जिन बच्चों को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश मिला है उनकी शिक्षा शुल्क माफ कर दी गई है। इन श्रमिकों के परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अटल आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बेघर श्रमिकों को 4 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सही घर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कौशल्य प्रशिक्षण के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को कौशल्य आधारित शिक्षा दी जा रही है। निर्माण श्रमिकों को आज सुरक्षा कार्ड दिया गया है और इसके माध्यम से श्रमिकों के परिवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि 12 सेवाएं प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने आम लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते में प्रति माह 1500 रुपए की सहायता दी जाती है। लेख लाडी योजना के माध्यम से कन्या के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक 1 लाख तक की सहायता चरणों में प्रदान की जा रही है। लड़कियों को निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है, ऐसा फडणवीस ने कहा। सोनाली कड़ू ने परिचय दिया जबकि स्वागत भाषण ओम प्रकाश और मुन्ना यादव ने दिया। इस कार्यक्रम में फडणवीस ने प्रतिनिधि रूप से श्रमिकों को सुरक्षा कार्ड, संसार और सुरक्षा किट वितरित किए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न, स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे, आउटर रिंग रोड, पोस्ट बेसा, नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज।